ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज की मुरली का टाइटल है साक्षी दृष्टा कैसे बने। जैसे जैसे ड्रामा में सीन चेंज होती जाती है, हम सब उसे देखते रहते हैं। कई बार ऐसे भी दृश्य सामने आते हैं जिन पर हमारे मन प्रश्न उठाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसे समय में ज़रूरत होती है साक्षी दृष्टा बनने की, लेकिन उसके लिए किस तरह का माइंडसेट हमारा होना चाहिए, हमें कैसे सोचना है, कैसे देखना है उन बातों को, तो बाबा ने समय प्रति समय हमारी बहुत सारी इन बातों की ट्रेनिंग की है कि हाउ टू बिकम अ डिटेच्ड ऑब्जर्वर ड्यूरिंग अनफोर्सीन टाइम्स और ड्यूरिंग क्रिटिकल टाइम्स। तो ये जो दृश्य आएंगे, ये बाहर से भी आ सकते हैं और ये हमारे खुद के अपने संस्कारों के कारण भी आ सकते हैं। बदलते हुए दृश्यों में हम कैसे स्थिर रहें, कैसे साक्षी रहें, शांत रहें, केंद्रित रहें, उन सब के लिए बाबा ने आज काफ़ी सारी गहरी गहरी बातें बताई हैं। और मुरली को पढ़ने से ऐसा भी पता चलता है कि बाबा शाम को या रात को आए होंगे और बाबा अमृत वेले तक भी, सुबह तक भी रहे। तो हमारे लिए ये भी एक बहुत अच्छा मौका है कि कैसे बाबा रात भर मुरली चलाते रहे, महारास करते रहे और गोपियाँ उसकी धुन पर, मुरली की धुन पर नाचती रही। तो ऐसी भी चीज़ों को महसूस कर पाने का, भले ही हम मुरली के माध्यम से कर पाएं, वो भी मौका है। बाबा ने आज की मुरली में ऐसा भी बहुत बातें बताई हैं कि इस दुनिया में क्या होता है और आने वाली दुनिया में क्या होगा। तो जो एक बहुत सूक्ष्म कंपैरिजन है, कंपैरिजन का हो, या बाबा याद दिलाते हैं कि अभी विश्व का क्या हाल है। जैसा कि बाबा ने कहा, जड़ जड़ी भूत हुई दुनिया, तो अभी की दुनिया में क्या हाल है और आने वाली दुनिया में क्या होगा, तो इसके बहुत सारे नज़ारे हम अपनी तीसरी आंख से इसमें देखेंगे। और आज की मुरली में क्या है, मन कैसे तैरा करना है, तन कैसे तैरा करना है, इसके अलावा जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी ग्लिम्सेस, उसकी कुछ नज़ारे देखेंगे वहाँ क्या क्या होगा। इसके अलावा बाबा ने कुमारियों से मुलाकात की, उसमें बाबा ने काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं जो हम सबको जाननी ज़रूरी है इस समय। इसके अलावा जैसे कि पार्टियों से मुलाकात करते अमृत वेला हो गया, तो बाबा ने उसके बाद क्या महावाक्य उच्चारे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और कैसे बाबा सबसे अच्छा, सबसे क्विक सेवाधारी है, इसके बारे में बाबा ने 8-10 पॉइंट्स बताए हैं। और मधुबन हमारा घर कैसे है, ये सब बहुत प्यारी प्यारी बड़ी गहरी बातें हैं। सबसे पहले देखते हैं आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स क्या हैं। तो बाबा ने सबसे पहले कहा कि बाबा देख रहे हैं जड़ी जड़ जड़ी भूत हुई दुनिया को। इस दुनिया की अंतिम अवस्था है अभी ये, तो उसका समाचार कुछ कुछ बता रहे हैं। बाबा ने इसका डिटेल समाचार सुनाया है वैसे इस मुरली में 19 अक्टूबर 1975, 292nd अव्यक्त मुरली अगर आप देखेंगे तो उसमें ये सारी मुरली डिटेल में मिल जाएगी। बाबा ने आज इसको थोड़ा सा टच किया है, तो हम जब क्रॉस रेफरेंसिंग करते हैं तो पुरानी मुरलीज को भी हम रिवाइज कर सकते हैं, एटलीस्ट मेन पॉइंट्स। तो बाबा ने क्या देखा कि यहाँ पे तो बाबा कह रहे थे कि भले ही आत्मा सुख में है, आपकी आत्मा को अतीन्द्रिय सुख है, लेकिन शरीर को कभी कभी सहन करना पड़ता है। लेकिन आने वाली दुनिया में क्या होगा, प्रकृति और चैतन्य सेवाधारी आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे, लेकिन अभी का जो सहन करना है वो भी एक चरित्र के रूप में भागवत में गाया जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट पहले कभी नहीं आया डायरेक्ट कि कैसे यहाँ पे जो भी कुछ होता है वो एक चरित्र के रूप में गाया जाता है, खास तौर से सहन करना। बाबा ने एक और बात कही कि सहन करने से, सहन शक्ति से मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो। बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर साक्षी होने के विधि क्या है,
सिंपल विधि है पर गहरी विधि है ये, सिंपल येट प्रोफाउंड। तन भी तेरा मन भी तेरा, तो तन कैसे तेरा और मन कैसे तेरा ये हम देखेंगे। इस तरह के माइंडसेट के लिए ज़रूरी है ये वाली बात कि बाबा आप जानो आपका काम जाने, हमसे जो पॉसिबल है वो हम सब करेंगे। बाबा ने कहा कि आपकी सिर्फ एक ड्यूटी है, बाकी तो सब बाप करेगा ही। हमारी ड्यूटी क्या है कि हम सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ दें, अर्पण कर दें। फिर जैसा कि हमने देखा कि मुरली चलाते चलाते अमृत वेला हो गया, बाबा ने कहा ये भी गायन है आपका कि दिन को रात और रात को दिन बना दिया गोपियों ने, तो महाराज करते करते रात से दिन हो गया। फिर बाबा ने कहा कि ऐसा क्विक सेवाधारी आपको नहीं मिलेगा जैसे बाबा है। तो क्विक सेवाधारी कैसे हैं देखेंगे। और बाबा ने काफ़ी अच्छी बात कही कि बाप ने ठेका उठाया है बच्चों को राजी करने का, तो ये बहुत ही सुंदर बात है, महसूस करने वाली बात है। इतनी बातें अगर हमें समझ में आ जाएं तो हमारा योग निरंतर हो जाए, गहरा हो जाए, बाबा से प्यार हमारा नेचुरल हो जाए। और एक और बात बाबा ने एम्फेसाइज की कि हर बात में कल्याण है। ऊपर से अकल्याण का सीन दिखाई भी देता है लेकिन हर बात में कल्याण है। बाबा ने फिर कहा सत्यव को, बाबा ने कहा कि ईश्वर यह जादू के प्रारब्ध की नगरी है, आने वाली जो दुनिया है वो सर्व सुखों से संपन्न राज्य है। पहली विशेषता है कि सर्व सुखों से संपन्न राज्य है। फिर बाबा ने दो बातों की चर्चा की है, लाइटिंग सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मुरलीज में डिफरेंट डिफरेंट बातें आती हैं। ऐसी ही एक मुरली है कि आने वाली दुनिया कैसी होगी, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें बाबा ने काफ़ी डिटेल में बताया। तो बाबा ने कहा कि यहाँ तो एक प्रकार की लाइट है वो भी आती जाती रहती है, लेकिन वहाँ महलों में नौ रंग के हीरों की लाइट होगी, और आपके महलों में आगे पीछे अनेक विमान खड़े होंगे, चलाने वाले का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और एक्सीडेंट तो होना ही नहीं है। और विश्वकर्मा ऑर्डर करेगा और आपके महल और आपके विमान तैयार हो जाएंगे। तो ये सब बातें बड़ी गहरी बातें हैं समझने के लिए कि आने वाली दुनिया में क्या क्या होने वाला है। तो अब हम इस बहुत प्यारी सी मुरली को, एक एक शब्द को, एक एक लाइन को ध्यान से, एकाग्रता से सुनेंगे। तो आज बाप दादा इस पुरानी दुनिया और पुराने राज्य की दुनिया, जड़ जड़ी भूत हुई दुनिया का समाचार सुन रहे थे। बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों को पुरानी दुनिया में कितना सहन करना पड़ता है। आत्मा के लिए मौजों का समय है, लेकिन शरीर से सहन भी करना पड़ता है। तो अपने राज्य में प्रकृति आप सबकी दासी होगी, वैसे भी दासियां बहुत होंगी, और प्रकृति के पांचों ही तत्व सदा आज्ञाकारी सेवाधारी होंगे। तो इन सब बातों की बिल्कुल क्लैरिटी हमें होनी चाहिए, बाबा जो बातें बताते हैं। लेकिन अपना राज्य स्थापन करने के लिए पुराने को ही नया बनाना है, पुरानी में सेवाधारी बनना ही पड़ता है, और अभी की यह सेवा जन्म जन्मांतर की सेवा से मुक्त कर देती है। इस सेवा के फलस्वरूप प्रकृति और चैतन्य सेवाधारी आपके चारों ओर घूमते रहेंगे। हाजिर मालिक, हाजिर मालिक, यही मीठा मीठा साज सुनते रहेंगे। इन सब बातों पर ध्यान देना है। इसीलिए सदा काल की सर्व प्राप्ति के आगे यह थोड़ा बहुत सहन करना भी सहन नहीं लगता। तो बाबा क्यों बता रहे हैं हमें आने वाली दुनिया की बातें, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का आउटकम पता होता है, रिजल्ट पता होता है, तो वर्तमान में उसके लिए थोड़ी मेहनत करना भी इजी लगता है। तो ये हमारे सामने क्लियर होना चाहिए कि वट एवर वी आर डूइंग, वाई वी आर डूइंग। तो श्रेष्ठ सेवा के नशे और खुशी में सहन करना एक चरित्र रूप में बदल जाता है,
भागवत आप सबके सहन शक्ति के चरित्रों का यादगार है। तो सहन करना नहीं, लेकिन यादगार चरित्र बन रहे हैं। अभी तक भी यही गायन सुन रहे हो कि भगवान के बच्चों ने बाप के मिलन के स्नेह में क्या क्या किया, गोपी वल्लभ के गोप गोपिकाओं ने क्या क्या किया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। ये ऐसी बातें बिल्कुल याद रखनी चाहिए हमें। ऐसी बातें हमारी स्थिति को बस श्रेष्ठ और सहज बना देती हैं। तो ये सहन करना नहीं, लेकिन सहन ही शक्तिशाली बना रहे हैं। सहन शक्ति से मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो तो सहन करना लगता है कि खेल लगता है। मन तो सदा नाचता रहता है ना, तो मन की खुशी या थोड़ा बहुत सहन भी खुशी में परिवर्तन कर देती है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तो जिसको तेरा कहा वह जाने, आप तो न्यारे और प्यारे रहो। तो फिर तन कैसे तेरा, इसमें क्या करना है? तो जिस समय तन का हिसाब किताब चुकतू करने का पाठ बजाते हो, उस समय यह निरंतर स्मृति रहे कि बाबा आप जानो, आपका काम जाने, मैं बीमार हूं नहीं, मेरा शरीर बीमार है नहीं, तेरी अमानत है, तुम जानो। ओके, ना मैं बीमार हूं ना मेरा शरीर बीमार है, तेरी अमानत है, तुम जानो। मैं साक्षी दृष्टा बना आपकी अमानत की सेवा कर रही हूँ, जिसको कहा जाता है साक्षी दृष्टा। तो ये काफ़ी डिफरेंट तरह की विधि है, इसे हम बहुत ध्यान से समझ लीजिए और नोट भी कर लीजिए इस लाइन को। जब भी कोई बीमारी आती है तो मैं साक्षी दृष्टा बन आपके अमानत की सेवा कर रही हूँ, इस लाइन को आप लिख लीजिए। मन कैसे तेरा, ऐसे ही मन भी तेरा, मेरा है ही नहीं, मेरा मन नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता, मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं होती, यह मेरा शब्द हलचल पैदा करता है, मेरा है कहाँ, मेरापन मिटाना ही सर्व बंधन मुक्त बनना है। तो ये काफ़ी गहरे स्पिरिचुअल सीक्रेट्स हैं या स्पिरिचुअल फार्मूला है। मेरापन मिटाना ही सर्व बंधन मुक्त बनना है। मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा ज्ञान में नहीं चलता, उसकी बुद्धि का ताला खोल दो। तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ उनों का क्या सोचते हो, मेरे के भाव से क्यों सोचते हो? यह कभी भी कोई बच्चे ने अभी तक नहीं कहा है कि मेरे गांव की व देश की आत्मा का ताला खोलो। कहते मेरे पत्नी का, मेरे बच्चों का, तो ये मेरेपन का भाव बेहद में नहीं ले आता। इसीलिए बेहद की शुभ भावना हर आत्मा के प्रति रखते हुए सर्व के साथ उन आत्माओं को भी देखो। तो ये हमें समझना चाहिए कि जब भी हम बाबा से ऐसी बातें कहते हैं तो हम हद के हिसाब से कह रहे हैं या बेहद के हिसाब से कह रहे हैं। तो बेहद के लिए सबके लिए कहेंगे तो फिर उसमें सब आ जाएंगे, उसमें फिर अपने भी आ जाएंगे। तो सबकी बुद्धि के ताला खोल देना। तो क्या समझा, 1313 हो गया, मेरा कोई बोझ नहीं, चाहे बाप दादा कहाँ भी सेवा प्रति निमित्त बनावे, तन द्वारा सेवा करावे, मन द्वारा मनसा सेवा कराए, जहाँ रखे जिस हाल में रखे, चाहे दाल रोटी खिलाए, चाहे 36 प्रकार के पकवान खिलाए, लेकिन जब मेरा कुछ नहीं तो तेरा तू जानो, आप क्यों सोचते हो? भगवान अपने बच्चों को सदा तन से, मन से, धन से सहज रखेगा। तो ये बाबा की जो बातें हैं, बाबा की जो प्रॉमिस हैं, बाबा की जो गारंटी है, ये सब याद रखना है हमें। ठीक है ना? तो आप लोग क्यों बोझ उठाते हो? उस दिन भी सुनाया था ना, सब कुछ तेरा करने वाले हो तो जो बाप खिलावे सो खाओ पियो और मौज करो, याद करो।
सिर्फ एक ड्यूटी है आपकी बस, बाकी सब ड्यूटी बाबा आप ही निभाएंगे। एक ही ड्यूटी तो कर सकते हो ना, मेरा कहते हो तब मन चंचल होता है। यही सोचते हो ना कि यह मुश्किल बात है, मुश्किल है नहीं लेकिन कर देते हो। तो मेरेपन का भाव मुश्किल बना देता और तेरेपन का भाव सहज बना देता है। ये भी एक हमारे पास फार्मूला निकल के आया। तो जो भी बातें हम ये नोट कर रहे हैं हमें सारे दिन भर में यूज़ करने हैं, ताकि वो हमारे डीप माइंड सेट में समा जाए और वो यूज़ होता रहे। तो विश्व कल्याण की भावना रखो तो विश्व कल्याण का कर्तव्य जल्दी समाप्त हो जाएगा और अपने राज्य में चले जाएंगे। वहाँ ऐसे पंखे नहीं हिलाएंगे क्योंकि गर्मी होने के कारण सबके हाथ में रंग बिरंगे पंखे दिए गए थे। अब है नई दुनिया के कुछ नज़ारे। यहाँ तो पंखे हिलाने पड़ते हैं, वहाँ प्रकृति आपका पंखा करेगी। एक एक हीरा इतनी रोशनी देंगे जो आज की लाइट से भी वंडरफुल लाइट होगी। सदा आपके महलों में नौ रंग के हीरों की लाइट होगी। नवरत्न कहते हैं ना, नवरत्नास, तो सोचो कितनी बढ़िया लाइट होगी। नौ रंग की मिक्स लाइट कितनी बढ़िया होगी। और यहाँ तो देखो एक रंग की लाइट भी खेल करती रहती है। इसीलिए सेवा का कर्तव्य संपन्न करो, संपन्न बनो तो अपना राज्य सर्व सुखों से संपन्न राज्य आया कि आया, समझा। तो आज सभी के जाने का दिन है, क्योंकि जैसे जैसे पार्टीज आती हैं, कुछ दिन वहाँ रहती हैं, मधुबन फिर जाती हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा भी जल्दी जल्दी करेंगे तब तो जाएंगे। अब तो ट्रेनों में रश में जाना पड़ता है, बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। फिर तो आपके महलों में आगे पीछे अनेक विमान खड़े होंगे, चलाने वाले का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। छोटे से छोटे जीवन में भी चला सकते हो, छोटा बच्चा भी स्विच दबाएगा और उड़ेगा। एक्सीडेंट तो होना ही नहीं है, विमान भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन आप सब एवर रेडी हो जाओ, स्वर्ग तो तैयार है ही है। विश्वकर्मा ऑर्डर करेगा और महल और विमान तैयार। ईश्वर या जादू के प्रारब्ध की नगरी है, तो ऐसा महावाक्य बहुत पावन ने कम बोला है ये। लेकिन ये बात भी नोट कर लेना आप, ईश्वरीय जादू के प्रारब्ध की नगरी है। और इस बात में और गहराई में जाते रहिए। तो सभी पंखे हिला रहे थे, तो यह भी अच्छी सीन है फोटो निकालने वाली। ऐसी कोई सभा नहीं देखी होगी जो रंग बिरंगे पंखे हिलाने वाले हों। सच में वो सीन बहुत अच्छा लगता था, आप किसी वीडियो में देख भी सकते हो। अच्छा जी, तो सदा तेरा तो जानो ऐसे दृढ़ संकल्पधारी, सदा बेहद के सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावनाधारी, सदा हर कर्म द्वारा सदा यादगार बनाने वाले ऐसे एवरेडी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी ऐसे बाप दादा का साक्षी दृष्टा बनाने वाले और नई दुनिया का दर्शन कराने वाले बाप दादा का धन्यवाद और नमस्ते। तो ये वाली बात हम बाद में पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे ट्रेनिंग करने वाली कुमारी हंस बाबा ने क्या मुलाकात की है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। और इसके अलावा बाबा ने क्या कहा, हाँ ये हम अभी पढ़ लेते हैं। पार्टियों से मुलाकात करते अमृत वेला हो गया, तो देखो दिन को रात, रात को दिन बना दिया, यही गोप गोपिकाओं का गायन है। महाराज करते करते रात से दिन हो गया, यह आप सबका गायन है ना। सदा बाप के स्नेह में समाये हुए स्नेही आत्माएं होना। जितना बच्चे स्नेही हैं उससे पदम गुणा बाप स्नेही है, ऐसे अनुभव होता है ना। बस सेकंड में सोचो और बाबा हाजिर हो जाते हैं। अच्छा सेवाधारी है ना। तो बाबा जो बातें बताने वाले हैं ये बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि हमारे योग का आधार है ऐसी बातें। हमारा योग बहुत गहरा हो सकता है। बाबा ने कहा कि सबसे क्विक सेवाधारी बाप हुआ ना,
दूसरा आने में देरी लगाएगा, उठेगा, तैयार होगा, चलेगा, तब पहुंचेगा। बाप तो सदा एवर रेडी है, जब बुलाओ सेकंड से भी कम टाइम पर पहुंच जाएगा। सभी के लिए, सेवा के लिए सदा हाजिर है, कभी तंग नहीं करते। तो देखा, अभी भी जितना समय बैठे उतना समय स्नेह में समाये हुए बैठे या थक गए? तो सोचो, बाप दादा शाम से लेकर सुबह तक बैठे ही रहे होंगे। बाप दादा बच्चों को देख देख के खुश होते हैं। तो ये पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भी आप अच्छे से समा लीजिए अपने अंदर। तो बाप ने ठेका उठाया है, सभी बच्चों को राजी करना है, तो अपना ठेका पूरा करेंगे ना। तो ये भी कितनी सुंदर बात है, बाबा ने क्या ठेका उठाया है, सबको राजी करना है। ये बातें बिल्कुल नोट होनी चाहिए हमारे पास, कॉपी में भी और मन बुद्धि में भी। तो सदा हर एक बच्चा एक दूसरे प्रिय है, कोई अप्रिय हो ही नहीं सकता। बच्चे हैं, अप्रिय कैसे हो सकते हैं, सब एक दूसरे आगे हैं। सभी बच्चे राजा बच्चे हैं, प्रजा बच्चे नहीं हैं। तो ये बहुत बात बच्चों की बातों का आंसर है। कई लोग समझते हैं कि हमने इतनी इतनी गड़बड़ की है, बाबा में प्यार करता है कि नहीं करता है, सबको करता है, कुछ भी किया है अपने। तो आपके जड़ चित्रों के लिए भक्त जागरण करते हैं, कभी तो आप लोगों ने भी किया है, तभी तो भक्त कॉपी करते हैं। तो यह जागरण डबल कमाई वाला जागरण है, वर्तमान की कमाई हुई और वर्तमान के आधार पर भविष्य भी श्रेष्ठ हुआ। तो हम कल्याणकारी आत्माएं हैं, हर बात में कल्याण समाया हुआ है, अकल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप के बच्चे बन गए, चाहे बाहर से अकल्याण का काम दिखाई दे। तो ये बात भी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भी आप अच्छे से समझ लीजिए, जो हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। तो जैसे मानो एक्सीडेंट हो गया तो नुकसान हुआ ना, लोग तो कहेंगे कि अकल्याण हो गया, लेकिन उस अकल्याण में भी संगम योगी आत्माओं के लिए कल्याण भरा हुआ है। नुकसान भी सोली से काटा हो जाता है, बड़े नुकसान से कम नुकसान हो जाता है। तो इसमें भी सदा कल्याण समझते हुए आगे बढ़ते चलो, ऐसे कल्याणकारी आत्मा स्वयं को समझते हुए चलो। बाप ने अपने समान बना दिया, बाप कल्याणकारी तो बच्चे भी कल्याणकारी, बच्चों को बाप अपने से भी आगे रखते हैं। कैसे? क्योंकि डबल पूजा आपकी है, डबल राज्य आप करते हो। इतना नशा और इतनी खुशी रहे, वारे में श्रेष्ठ आत्मा, वारे में पुण्यात्मा, वारे में शिव शक्ति, इसी स्मृति में सदा रहो। आप सबका घर मधुबन है, मधुबन घर से ही पास मिलेगी परम धाम घर में जाने की। तो साकार रीति से मधुबन घर है और निराकारी दुनिया परम धाम है। मधुबन असली घर है और जहां आप लोग जा रहे हो वो सेवा केंद्र है। तो घर समझेंगे तो फंस जाएंगे, जहां भी हम रहते हैं उसे हम घर समझेंगे तो फंस जाएंगे, सेवा केंद्र समझेंगे तो न्यारे रहेंगे। जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बनते हो, उनकी सेवा के संबंध से निमित्त बनते हो, ब्लड कनेक्शन के संबंध से नहीं, सेवा का कनेक्शन है, तो सदा याद हो सेवा में रहो, तो नष्ट मोह सहजी बन जाएंगे। अच्छा, तो विशेष सेवाधारी बाबा बता रहे हैं कि विशेष सेवाधारी के क्या लक्षण हैं, हो सकता किसी ने पूछा हो। तो विशेष सेवाधारी अर्थात हर कार्य में विशेषता दिखाने वाले, सेवाधारी तो सब हैं लेकिन विशेष सेवाधारी विशेषता दिखाएंगे। जब भी कोई सोचो प्लान बनाओ तो यही सोचो कि सेवा में क्या विशेषता लाई, मतलब व्हाट इनोवेशन वी कैन ब्रिंग इनटू समथिंग विच वी आर डूइंग। तो विशेष सेवा करने से विशेष आत्माएं प्रसिद्ध हो जाती हैं। सदा लक्ष्य रखो, ऐसा कोई विशेष कार्य करें जिससे स्वतः ही विशेष आत्माएं बन जाएं, बाप और परिवार के आगे आ जाएं। हमेशा कोई ना कोई विशेषता दिखाने वाले, विशेषता ही न्यारा और प्यारा बनाती है ना। तो हर कार्य में विशेषता की नवीनता दिखाओ।
विशेषता की नवीनता और नवीनता की विशेषता, दोनों ही बातें हैं। कई बार कहते हैं क्या नवीनता लेकर आए, आज बाबा कह रहे हैं क्या विशेषता लेकर आए। तो सच्चे सेवाधारी सर्व को अपनी शक्तियों के सहयोग से आगे बढ़ाते चलो, इसी सेवा में सदा तत्पर रहो। अच्छा, ओम शांति। और आज का अफर्मेशन हम लेंगे, आज बहुत सारे अफर्मेशन हैं, आप कोई भी ले सकते हैं और इसमें आगे पीछे बहुत ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल है वो यही बात है कि मैं साक्षी दृष्टा हूँ। और इस बेहद के ड्रामा को स्वमन की सीट पर सेट होकर आराम से हम देख रहे हैं। तो पूरे दिन में जब भी हम ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं तो पूरे उसका भी हम थीम रख सकते हैं कि हम हर बात में साक्षी हैं, जो भी हो रहा है, नो क्वेश्चंस, नो कन्फ्यूजन। तो आज की मुरली में बहुत कुछ है और एक बार रिवीजन करने से नहीं याद रहती इतनी बातें, तो हर एक मुरली को हमें टारगेट रखना चाहिए कि हम 3 बार रिवाइज करें, पहली बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग, दूसरी बार और डेप्थ में जाने के लिए, तीसरी बात उसको एक्सपीरियंस करने के लिए भी। जो भी बात हमने सुनी आप उन पे अपने आज पूरे दिन का प्लान करिए। तो सिट इन साइलेंस हियर फॉर नेक्स्ट 2-3 मिनट्स एंड प्लान योर डे अकॉर्डिंगली, कि कैसे इन सारी बातों को हमें पूरे दिन भर में इंटीग्रेट करना है विद अवर टाइम टेबल। ओम शांति।